Students, this is your English grammar book, and in today's class we will read and complete the lesson number 23, interjection. Interjection में हम जो हमारी जो express करते हैं हम अपने feeling को, उसे हम जैसे खुशी में, दुख में, तो वो जो words होते हैं उनको हम interjection कहते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है, read the sentences given below. Wow, the doll is beautiful. यानी ये डॉल बहुत सुंदर है. देखने में हम कहते हैं वाओ, हिंदी में बोलते हैं अरे बहुत सुंदर, है ना. तो द वर्ड वाओ एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अमेजमेंट ऑन द ब्यूटी ऑफ द डॉल. और ये जो वाओ है, ये जो डॉल की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है. ठीक है, आगे आता है आपका हुर्रा. आर एग्जाम आर ओवर, मतलब हमारे एग्जाम खत्म हो गए. द वर्ड हुर्रा एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एज द एग्जाम इज ओवर. लेकिन ये फीलिंग जो हैप्पीनेस की है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे हुर्रा वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए तो सारी टेंशन भी खत्म हो गई. अब यहाँ पे देखिए दुख भरा फेस है इनका. अलास ही लॉस्ट हिज फादर. अलास मतलब कि उसने अपने पिता को खो दिया, यानी अब उसके पिताजी रहे नहीं. द वर्ड अलास एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर. मतलब कि ये अलास वर्ड जो है वो दुख को एक्सप्रेस करता है कि अब वो नहीं रहे. ब्रेवो वी वॉन द मैच. अब यहां देखो, यहां मैच जीत लिया है और ट्रॉफी भी मिल गई है, तो ब्रेवो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है और ये प्रेज करने के लिए यूज किया जाता है कि मतलब कि मैच को जीत लिया. द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. वर्ड जो एक्सप्रेस सडन फीलिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. वी ऑलवेज पुट अ एक्सक्लेमेटरी साइन. देखिए ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, आप उस वर्ड के बाद में आफ्टर द इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जब हम यूज करते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उसके बाद में हम ये साइन लगाते हैं. ठीक है, अब आता है एक्सरसाइज नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन फॉर्म द ब्रैकेट. अब यहाँ पे देखिए, द ग्रेट मैन इज डेड. अब ग्रेट मैन डेड हो गया, यानी दुख की खबर है. हुर्रा खुशी के लिए यूज किया जाता है, अलास दुख के लिए आएगा. यू स्टूड फर्स्ट इन क्लास. आप क्लास में फर्स्ट आए हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी बात है. आह दुख के लिए होता है, ब्रेवो खुशी के लिए होता है, प्रेज करने के लिए होता है. सो सैड टू हियर इट, सुन करके बहुत दुख हुआ. तो वाओ खुशी के लिए है, आह होगा. हमें इसका सेंटेंस का मीनिंग भी देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज करेंगे. दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. अब दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस का क्या होगा कि मतलब सुंदर है, तो वाओ आएगा. आह दुख के लिए है. मैं बार बार अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ओनली करेक्ट आंसर को ही चूज करूंगी. ठीक है, वाओ. वी आर गोइंग टू प्ले नाउ. अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो खेलने जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, हुर्रा. दिस इज अ नाइस कलर. तो नाइस कलर यानी मतलब कि अच्छा लगा, तो वाओ. दैट पुअर मैन हैज नो फूड, मतलब ये दुख की बात है, तो ओह आ जाएगा. अलास में क्या होता है कि हम उस पर्सन के लिए कई बार क्या होता है, उसमें दुख बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है, यानी है नहीं, शायद वो पर्सन रहा नहीं. तो यहाँ पे हम ओह उसके पास खाना नहीं है, बस इतना ही वही यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड है. वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, खुशी की बात है, हुर्रा. अब यहाँ पे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है यूजिंग द इंटरजेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट. दैट वॉज अ फाइन किक. अब यहाँ पे आपको क्या है, उस वर्ड को यूज करना है, बाकी सेंटेंस सेम लिखना है. ब्रेवो दैट वॉज अ फाइन किक. This is a beautiful dress. Wow, this is a beautiful dress. It is a nice painting. Oh, ah, it is a nice painting.
I got hurt in my leg. Ouch! I got hurt in my leg. He could not pass his exam. Alas, alas, he could not pass his exam. We are going for a picnic. Hooray! Hurrah! We are going for a picnic. I had a great day. Yay! I had a great day. I could not meet my friend. Oh, this is oh. I could not meet my friend. This is nice toy. Wow, this is a nice toy. I got good marks. Hurrah! Hurrah! I got good marks. अब यहाँ पे पिक्चर देखना है. इंस्ट्रक्ट दिया है कि इंटरजेक्शन भी दिया हुआ है उसके साथ. और फर्स्ट वन वॉज बीन डन फॉर यू. इन्होंने दिया हुआ था कि वाओ सी इज अ ब्यूटिफुल फेयरी. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए इसकी ट्रेन मिस हो गई. ओ आई मिस माई ट्रेन. हुरा आई गॉट गुड मार्क्स. ब्रेवो आई वॉन द मैच. वी वॉन द मैच भी कर सकते हैं. यहाँ सिंगल पर्सन था तो आई वॉन लगा दिया. अलास आई एम नॉट वेल. ओ अब यहाँ पे सच अ ब्यूटिफुल हाउस भी कर सकते हैं या दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओ दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस. कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है हमें, तो ओ भी बोल सकते हैं. ठीक है, ओ सच अ ब्यूटिफुल हाउस या ओ दिस इज अ ब्यूटिफुल हाउस. नाउ टर्न द पेज. ये चैप्टर आपका जो इंटरजेक्शन का था यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो आपने इस वर्क को करना है और कंप्लीट भी करना है.